तो हेलो दोस्तों, आज के ब्लॉग के लिए रेडी हो जाओ। तो आज हम जा रहे हैं, ये ब्लॉग है 26 अपना जनवरी का। आज हम जा रहे हैं सावनेर। सावनेर हमारे वर्धा से लगभग 130 या 140 किलोमीटर आता है। तो लेट्स गो फॉरवर्ड। अभी हम घर से निकल गए और हम कार से ही जा रहे हैं अपने। तो चलो देखते हैं आगे आगे। लेट्स गो फॉर आवर ड्राइव। मैं अभी मेरे दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। अरे यार, हॉर्न तो दीजिए, हॉर्न तो दीजिए। ये हमारा वो रूट का मार्क, वो रूट से हम जा रहे हैं आगे आगे। निकालो यार, निकालो यार, निकालो यार। फाइनल नहीं निकल गए, नहीं निकले यार, नहीं निकले। सब लोग बीच में आ रहे हैं दोस्तों, सब लोग बीच में आ रहे हैं। ये छोटा सा रोड होने के कारण मतलब यहाँ से आराम आराम से ही जाना पड़ता है, इसलिए हम ये रोड से नहीं जाते। निकालो अभी। आज जो है वो मेरा दोस्त ड्राइव कर रहा है। चलो फाइनली निकल गए दोस्तों हम आगे। अभी अपन आ जाएंगे जो अंडरग्राउंड रोड है रेलवे का, उसमें से अपने को ये पास करके निकलना है। और फिर ये जो छोटा सा गांव मिलेगा अपने को, उसको क्रॉस करके हम अपने रूट पे हाईवे अपने को मिलेगा आगे। यहाँ से अपने को लेना है लेफ्ट, पुल निकल गया है, गांव भी निकल गया है। अभी ये रोड लग गया है, ये लगभग 2 किलोमीटर है। आगे अपने को पोनार मिलेगा, पोनार के आगे अपने को फिर मतलब अपना बेस्ट वाला हाईवे लग जाएगा जो वर्धा नागपुर हाईवे है। क्या मेरा थोड़ा नीचे हो गया है? रिकॉर्डिंग करते समय चलो आ गए अपन फाइनली अपना वर्धा नागपुर हाईवे। ये नागपुर हाईवे मतलब 4 लेन का हाईवे है और बहुत ही अच्छा अभी डिज़ाइन किया है। तो और रूट भी बहुत अच्छा है, सीमेंट का होने का कारण थोड़ा गाड़ी आराम पद्धति आराम से चलाना पड़ता है, लेकिन अच्छा है। ये आ गया अपन सेलू में। अभी सेलू के आगे अभी ये मेन रोड सेलू में जाने वाला है और अपन यहाँ से अपन राइट लेंगे, मतलब अपन ये पूरा बाईपास होके सेलू को छोड़ देंगे और आगे आगे निकलेंगे। अभी आ गया टोल नाका, नागपुर वर्धा का एक टोल नाका है, हरदगांव टोल नाका बोल सकते इसको, प्लाजा। चलो रे भाई, चलो रे भाई, चलो रे भाई, चलो 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 चलो। और रुक गए, अभी ये हमसे पैसे लेंगे। यहाँ से निकल गए हैं हम, नागपुर को भी छोड़ दिया है, नागपुर के बाहर निकल गए। अभी नागपुर के आगे ये आ गए हम शिव तीर्थ सावनेर के पास। और ये शिव तीर्थ का यहाँ से राइट लेकर यहाँ से और लेफ्ट लेना है। ये अपन को यहाँ पे बोर्ड दिख रहे हैं, आ गए बोर्ड। चलो चलो चलो, फाइनल गाइस अपन शिव तीर्थ के पास आ गए हैं।
अभी यहाँ से मतलब 1 किलोमीटर शायद होगा, 1 किलोमीटर के अंदर अंदर ही है ये, मेन हाईवे से अंदर 500 मीटर अंदर है दूरी पे अंदर। देखिए यहाँ पे बोर्ड लगाया है और यहाँ से राइट लेकर 0.5 माइल दिखा रहा है यहाँ से। चलो राइट लेंगे स्ट्रेट, चलो सीधे 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 जाना अभी अपने को। सुनसान इलाका, सुनसान इलाका है दोस्तों यहाँ पे पूरा। ओ माय गॉड, चलो चलो आ गए आ गए आ गए। और लेफ्ट और राइट, लेफ्ट लेना और राइट लेना एक बार। फाइनली 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 आ गए गाइस। तो देखिए ये आ गया अपना शिव तीर्थ का स्पॉट जो नागपुर में, नागपुर के आगे सावनेर में है। आ गया आ गया आ गया, वेलकम टू शिव तीर्थ पॉइंट। ये देखिए यहाँ पे मुर्गा है, मला दाने दिया निपानी माझे सोबत सेल्फी किया। इस मुर्गे को अपने को यहाँ पे खाना हुआ रखा है, खाना खिलाना होता है, पानी पिलाना होता है। ये बुकिंग काउंटर है, ये आगे का पार्किंग जोन एरिया, और ये अपना बड़ा वाला मुर्गा। इसका मैंने वेट पूछा तो लगभग 7 या 8 किलो बता रहे थे दोस्तों। ये मेरा दोस्त है अभी, इसको पानी पिला रहा है, छोटी सी बच्चे ने इसको खाना खिलाया, अभी ये पानी पिला रहा है। आराम से पी बेटा आराम से पी, अपने को कोई जल्दी नहीं है। तो अभी अंदर आ गए हम, एंट्री टिकट लेके गाड़ी से अंदर आना पड़ता है। यहाँ पे अभी हमारी एंट्री हो गई है, देखिए पहले तो यहाँ पे बहुत सारे मतलब झूलने के लिए है। फिर हमने यहाँ पे बोटिंग की, बोटिंग कर रहा है ये मेरा दोस्त। सिंगल वे टू वे ऐसा, यहाँ पे फिर रोप वे, हमने रोप वे से स्लाइडिंग की सबने स्लाइडिंग। अभी स्लाइडिंग के बाद हम अभी यहाँ पे आ गए, यहाँ पे बदक उदक मतलब ससा कुछ ऐसी इनका भी है, मतलब कुछ दे बड़ा सा ग्राउंड है उसमें अपन खेल सकते हैं, मतलब टाइम एंजॉयमेंट के लिए। इधर भी वही है सिस्टम, मला पानी दिया मला खायला दिया, वही वही सिस्टम सेम। अभी मेरा दूसरा दोस्त गया, देख इसके हाथ से खाते हैं या नहीं देखते हैं बदक, तो ये इसको भाव भी नहीं दे रहे हैं। अरे एक भी नहीं देख भी नहीं रहा है।